हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूलिया मूवी के बारे में, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की स्टार्ट में हम पैट्रिक नाम के लड़के को देखते हैं, जो ट्रेन में वैकेशन करने के लिए अपने गांव जा रहा था। तो ट्रेन में उसकी नज़र एक गोरी लड़की पर पड़ती है जो सो रही थी। उसको देख के पैट्रिक का पप्पू खड़ा हो जाता है। पैट्रिक अपने पप्पू को हिलाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो अपना सारा सामान उठा के वो औरत के पास शिफ्ट हो जाता है। उस औरत को भी पता चल गया था कि वो पैट्रिक उसके मजा ले रहा है, इसलिए वो जानबूझकर टांगे फैलाकर सो जाती है। अगले स्टेशन पे एक लड़का सवार होता है जो उस औरत के बगल में आकर बैठ जाता है। इधर पैट्रिक भी कुछ कर नहीं सकता था, वो खाली खिड़की पे हवा ही खा रहा था। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे ही वो आदमी वो औरत को चुम्मी करने लगता है। तभी वहाँ पे टीसी आकर ये सब बिगाड़ देता है। मौका पाकर पैट्रिक भी वहाँ पे बैठ जाता है। तभी वो भी ये सेशन का मजा ले रहा है और थोड़े टाइम के बाद वो औरत उठ के बाथरूम में चली जाती है। जाते जाते वो आदमी को उसने सिग्नल दे दिया था, वो आदमी भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में जाता है और चालू ट्रेन में ही पेलम पाली शुरू कर देते हैं और उसकी आवाज़ पैट्रिक के कानों में गूंज रही थी। ये सुनकर पैट्रिक भी खुद को रोक नहीं पाता है और बाथरूम के पास आता है। ट्रेन की आवाज़ के साथ उस औरत का भी आवाज़ तेज आने लगता है। वो आदमी से उसे चरम सुख प्राप्त हो जाता है, लेकिन पैट्रिक को उस औरत को छूने तक नहीं मिलता। अपने टाइम पे ट्रेन मंजिल पे पहुंच जाती है, जहां पैट्रिक के फादर पैट्रिक का इंतजार कर रहे थे। दोनों मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और पर पैट्रिक के फादर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे थे, जो भी इसी ट्रेन से ही आ रही थी। कुछ देर बाद पैट्रिक के फादर की गर्लफ्रेंड आती है, जो औरत पैट्रिक के पास बैठी थी। ये देखकर पैट्रिक चौंक जाता है, क्योंकि वो भी औरत थी जिसने अनजान आदमी से पेलम पाली की थी। स्टेशन से घर जाते वक्त भी पैट्रिक की नज़र वो औरत की टांगों के बीच में ही थी। घर पहुंचते ही अंकल एलेक्स पैट्रिक का स्वागत करते हैं। उसके बाद सभी लोग एक साथ लंच करने लगते हैं। दबाकर लंच करके पैट्रिक का फादर उस एंड्रिया को पहनने के लिए कमरे में लेके जाता है, जहां वो अपने साथ ट्रेन के बाथरूम की घटना के बारे में बताती है। तभी उसको लगता है कि ये एक कहानी सुना रही है, उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ सिंगोरा नाम की लड़की उस घर में मौजूद थी। सिंगोरा और सिल्वा नाम गच्चू गच्चू कर रहे होते हैं। ये सब अंकल एलेक्स भी देख रहा होता है और वो भी खुद को ज़्यादा रोक नहीं पाता है। हाथ घड़ी है वो चलाना शुरू कर देता है। अब तीनों को पैट्रिक बाहर से देख लेता है और पास के बगल में वो अपनी पानी में खुद के नहा लेता है। वहाँ पे एक लड़की जूलिया से उसकी मुलाकात होती है। जूलिया पैट्रिक की बचपन की फ्रेंड थी। जूलिया कहती है कि तुमने बचपन में मुझे पेला था। फिर पैट्रिक जूलिया को कहता है कि बचपन में तो हम जहाँ चाहे गपागप कर लेते थे और अब तो तमीज़ चाहिए ये करने के लिए। और तभी जूलिया गिर जाती है पानी में और उसके संतरे दिखने लगते हैं। तभी पैट्रिक की चड्डी से उसका काला नाग अंदर उछलता रहता है और तभी जूलिया यहाँ समझ जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे दोनों फिर से नहाने के बाद अपनी गांड में सेक कर लेते हैं। तभी जूलिया अपनी पीठ पे ऑयल लगाने का कहती है। तो पैट्रिक ऑयल लगाने लगता है, अपना हथियार ऑयल लगाते लगाते अपना हथियार खड़ा कर लेता है और जूलिया के हाथ में दे देता है। तो जूलिया उछल जाती है और कहती है कि साले इतनी आग लगी है तो काट ले, और जो हर टाइम लटकाए हुए फिरता रहता है। फिर जूलिया के मन बदल जाता है और दोनों चुकमाचाटी करने लगते हैं। पैट्रिक जूलिया को कहता है कि क्या तुमने पहले कभी पेलम पाली की है। तो जूलिया कहती है कि तुम पहले बताओ। तो पैट्रिक कहता है कि नहीं, किसी से नहीं, मैं वर्जिन ही हूँ। तो जूलिया कहती है कि चलो फिर सीखते हैं। तो पैट्रिक कहता है कि यहाँ नहीं, कहीं घर पे करेंगे। उसके बाद जूलिया को पैट्रिक और उसका कज़िन केराल्ड नाव में लेके जाते हैं और जूलिया को दोनों मिलकर गांजा पिलाते हैं। जूलिया को नशा होने के बाद केराल्ड उसके संतरे दबाने लगता है और ये सब पैट्रिक को अच्छा नहीं लगता है और केराल्ड को पानी में धक्का दे देता है। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि केराल्ड को तैरना नहीं आता है। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद पता चलता है कि केराल्ड की मौत हो चुकी है। ये मौत का जिम्मेदार पैट्रिक खुद को मानता है और खुद दुखी होता है, और केराल्ड उसका दोस्त भी था। उसके बाद पैट्रिक अपने रूम में बैठा था, तभी सिल्वाना वहाँ ब्रेकफास्ट लेके आती है और तभी पैट्रिक सिल्वाना को जबरन उसको धक्का देके सुला देता है और उसकी चड्डी निकाल देता है। सिल्वाना जैसे तैसे करके भागती है, लेकिन फिर भी पैट्रिक उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी उसका डैड वहाँ पे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसको एक जोर का चाटा मारता है और गाली देता है। अगले दिन जूलिया आंटी पैट्रिक और उसका डैड कहीं घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ सब शॉपिंग करते हैं। उसके बाद बाप और बेटा वहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पैट्रिक के डैड उसे समझाते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सिल्वाना के साथ।
पैट्रिक अपने डेट की बात समझ जाता है और फिर से ऐसा नहीं करने का कहता है। और फिर हम सभी को डांस करते देखते हैं। रात को पैट्रिक का डेट एक विंडो के बारे में बताता है कि तुम्हारी आंटी के साथ पहली मुलाकात यहाँ पे ही हुई थी और यहाँ पे मैंने खड़े होके कहा था कि मुझे फिल्म वाली करने दोगी। तभी जूलिया वहीं विंडो में चली जाती है और पैट्रिक उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पैट्रिक के डेड मौका पा के आंटी को कॉर्नर में लेके जाते हैं। इधर घूमते घूमते पैट्रिक एक स्टेडियम में आ जाता है जहाँ उसे चारों तरफ अंधेरा दिखता है और जैसे ही आगे बढ़ के देखता है तो उसका डेड जूलिया के साथ पैलमपाली कर रहा था। पैट्रिक की यह सब देख के हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से भागते हुए बिस्तर में घुस जाता है। फिर उसके आंटी को पता चलता है कि कुछ तो हुआ है पैट्रिक को। उसकी आंटी पैट्रिक को पूछती है तो पैट्रिक कहता है कि मेरे बाप ने तो मेरी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा और वहाँ स्टेडियम में पैलमपाली कर रहा है। उसकी आंटी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप वहाँ पर बिजी है तो तुम यहाँ अपना पलंग तोड़ोगे। और वो उसके कपड़े उतरना स्टार्ट कर देती है। बाद में वो पैलमपाली स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो अपने घर की तरफ निकलने लगता है। उसके बाद एक दिन जूलिया और पैट्रिक खेल रहे थे लेकिन जूलिया के साथ पैट्रिक अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था और अच्छे से खेलता भी नहीं था और नाराज भी था। लेकिन ये नाराजगी जूलिया को पता नहीं होती है कि उसके डेट के साथ उसने गपागप करते हुए देख लिया था। मगर उसके होठ को देख के पैट्रिक को ज़्यादा देर तक रहा नहीं गया, इसलिए नेट की जाली के साथ वो दोनों चुम्माचाटी करने लगते हैं और यहाँ पे पैलमपाली भी चालू कर देते हैं। पैलमपाली ख़त्म होने के बाद वो उठ के अपने घर की तरफ चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अपनी लव स्टोरी अपने घर वालों को बताएंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ उसके पेरेंट्स की लड़ने की आवाज़ आती है और फिर से वो फैसला चेंज कर लेते हैं कि अगले साल शादी करने का सोचते हैं, क्योंकि अगले दिन पैट्रिक को जाना था। और उसके बाद जूलिया किस करके चली जाती है और मूवी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बता रहा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।